370 आजाद भारत के लिए बहुत अच्छा कदम है। ट्रिपल तलाक के लिए क्या, वो भी एक अच्छा कदम है। लेकिन बहुत की औरतों के लिए हक में बेहतर हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार को खत्म करना है। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार को खत्म करेंगे। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को खत्म करेंगे। नहीं नहीं, नीतीश उसके साथ अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है तो यकीन है कि नीतीश कुमार खत्म होंगे। क्या किया वो दुनिया जानती है। लालू जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। मुसलमान कुछ नहीं किया, उन्होंने सेवाए मुसलमानों को मुंह बोला गुलाम बना के रखा है, तोता बना के रखा उन्होंने। मुसलमानों को गुलाम बनाए रखा नहीं, लालू बना के रखा उन्होंने। और नीतीश कुमार ने, नीतीश कुमार मुकाबले में उनके बहुत ठीक है। कि बीजेपी मुसलमान विरोधी है? नहीं नहीं नहीं, ये एक डराने की बात है। मुसलमानों को डरा, अपोजिशन ने हमेशा मुसलमानों को डराने की कोशिश किया है। आज से पहले क्या कभी दंगा हुआ कि नहीं? आजाद भारत में बीजेपी के आने से पहले कभी दंगा फसाद हुआ कि नहीं? मुसलमान हिंदू लड़े या नहीं लड़े इससे पहले? बहुत सारे वाकया है, बहुत सारी तारीख है। धीरे धीरे, महागठबंधन सरकार चोर है, नीतीश कुमार सर्व करो भ्रष्टाचारी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दो, तमाम नारों के साथ जो है ये भाजपा का विधानसभा मार्च देखने को मिला। तमाम लोग जो है बीजेपी के समर्थक है और चल रहे। क्या नाम है आपका? राशिद हसन। कहाँ जा रहे हैं? मधुबनी। अच्छा, विधानसभा मार्च में शामिल है क्या? बी। क्यों? मैं इसका काज करता हूँ। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है कि नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार को खत्म करना है। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार को खत्म करेंगे। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को खत्म करेंगे। नहीं नहीं, नीतीश उसके साथ अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है तो यकीन है कि नीतीश कुमार खत्म होंगे। नीतीश कुमार इतना अच्छा तो काम कर रहे हैं बिहार के लिए। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल नहीं उनका। किस चीज पर कंट्रोल है? किसी भी चीज पर कंट्रोल नहीं है, किसी भी चीज पर नहीं है। आज के वक्त में हर चीज है। लोग तो कहते हैं कि बीजेपी मुसलमान विरोधी है। नहीं नहीं, ये एक डराने की बात है। मुसलमानों को डरा, अपोजिशन ने हमेशा मुसलमानों को डराने की कोशिश किया है, जो मेरे साथ जुड़े रहे लोग। मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है बीजेपी। कभी नहीं, कभी नहीं। बीजेपी को वोट देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? बीजेपी मुसलमान के लिए क्या कर रही है? लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम दंगा कराती है बीजेपी। गवर्नमेंट किसी के लिए कुछ करती नहीं है, और करती है तो सबके लिए करती है, हर किसी के लिए करती है। बिल्कुल कह रहे हैं कि दंगा फैलाती है बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ। आज से पहले क्या कभी दंगा हुआ कि नहीं? आजाद भारत में बीजेपी के आने से पहले कभी दंगा फसाद हुआ कि नहीं? मुसलमान हिंदू लड़े या नहीं लड़े इससे पहले? बहुत सारे वाकया है, बहुत सारी तारीख है। धीरे धीरे, लोग कहते हैं कि मोदी योगी मुसलमान विरोधी है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो मानता हूँ कि ये दोनों आजाद भारत के लिए सबसे अच्छे लीडर है। मुसलमानों के लिए क्या कुछ अच्छा किया है मोदी जी ने? देखिए, मुझे कुछ मुसलमानों के लिए स्पेशल किसी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन सबों के लिए किया। 370 पे क्या कुछ कहेंगे? 370 आजाद भारत के लिए बहुत अच्छा कदम है। ट्रिपल तलाक के लिए क्या? वो भी एक अच्छा कदम है। लेकिन बहुत सारी की औरतों के लिए हक में बेहतर हुआ है। लेकिन बहुत सारे मुसलमान कौम के लोग विरोध कर रहे थे इस फैसले का। असल है क्या कि जब हम अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पाते हैं ना, हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं और उस काम को कोई दूसरा कर जाता है, तो फिर मुझे खौफ होता है, डर होता है, तो फिर लोगों को हम गुमराह करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लालू जी कहते हैं कि भैया मुसलमानों के लिए हमने बहुत कुछ किया है। क्या किया वो दुनिया जानती है। लालू जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। मुसलमान कुछ नहीं किया, उन्होंने सेवाए मुसलमानों को मुंह बोला गुलाम बना के रखा है, तोता बना के रखा उन्होंने। मुसलमानों को गुलाम बनाए रखा नहीं, लालू बना के रखा उन्होंने। और नीतीश कुमार ने, नीतीश कुमार मुकाबले में उनके बहुत ठीक है। लालू यादव कुछ नहीं किया। लालू यादव ने हमेशा तोता बनाया और जुकराई करके गुमराह किया। तो आप ही लोग के वोट पे तो वो मुख्यमंत्री रहे यादव और मुसलमान। असल है क्या कि आप मुसलमान बालिग हो चुके हैं, आजाद भारत के मुसलमान बालिग हो चुके हैं, जागरूक हो गए हैं, जागरूक हो गए, बालिग हो गए हैं, जिम्मेदार हो गए हैं, सोचने समझने की ताकत हो गई है। तो इसमें कौन बनेगा पीएम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी बिल्कुल बेहतर ऑप्शन, ज्यादा पहले से ज्यादा सीटों से आएंगे वो। कह रहे हैं नीतीश कुमार भी पीएम कैंडिडेट बन सकते हैं। देखिए, मैंने बड़ों से सुना है कि साझेदारी की हुकूमत नहीं चलती, साझेदारी की हुकूमत नहीं चलती है, वो लूट खुसेट होगी, वो लूट मार करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। नीतीश कुमार पीएम कभी नहीं बन पाएंगे, ये मुमकिन नहीं लगता। कहीं से मुमकिन नहीं लगता, मुमकिन नहीं लगता, बिल्कुल मुमकिन नहीं लगता। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी अच्छे थे, अच्छे हैं और आइंदा भी अच्छे रहेंगे। चलिए, तो आपने देखा कि मोदी जी के बारे में क्या कुछ कहा, नीतीश लालू के बारे में क्या कुछ कहा, इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ होता है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।